शशमी स्टोर से ब्लैक शिफॉन शीयर मेस बटन डाउन शर्ट टॉप लॉन्ग स्लीव ड्रॉप शोल्डर ब्लाउज फलाना ढिमकाना वो डोंट बाय दिस क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा वाहियात शर्ट है ये। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत दिनों बाद कोई भी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। आई थिंक 1 मंथ हो गया है मुझे कुछ भी पोस्ट किए हुए। सो 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो गई, लाइक मेरे को थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह भी हो गया था, अभी भी है मुझे इन्फेक्शन, बट धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। बट आई प्रॉमिस कि मैं आपसे हर वीकेंड एक वीडियो पोस्ट किया करूँगी। सो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। आज होने वाला है अमेजोन से ऑफिस वेयर फॉर्मल टॉप्स का हॉल। आई एम श्योर अगर आप ऑफिस जाते होगे या आपको कॉलेज के लिए भी फॉर्मल टॉप्स चाहिए होते होंगे तो आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता होगा, अच्छे पिक्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने सोचा वो काम मैं आपके लिए कर लेती हूँ। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बहुत सारे अमेजोन से ऑफिस वेयर एंड फॉर्मल टॉप्स। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो फर्स्ट टॉप की हम बात करें तो ये है, ये क्रीम कलर का फुल स्लीव क्लोज नेक टॉप। और ये टॉप देखने में इतना ज्यादा सुंदर और एलिगेंट है। इसके यहाँ पे ऐसे पूरा फ्रंट में बीट्स पर्ल्स लगा रखे हैं व्हाइट कलर के, जिसकी वजह से इसका जो क्लासी लुक है ना वो बहुत ज्यादा खिलकर आ रहा है। और ये पीछे से आपको ऐसे छोटा सा बीट मिल जाता है हुक करने के लिए, तो आपका जो नेक है वो पूरा सिक्योर हो जाएगा। और इसका जो कलर है ना वो मैंने क्रीम कलर में लिया है, ये कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा ये 4-5 और कलर्स में अवेलेबल था, आई थिंक मरून ग्रीन पिंक एंड ग्रे। ग्रे वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। मुझे लगा मरून थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है इसलिए मैंने इसको क्रीम कलर में मंगाया। और इट वॉज फ्रॉम द ब्रांड मुफीद। मैंने मुफीद ब्रांड से ही सिमिलर मटेरियल एंड क्वालिटी में 2 टॉप और मंगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड प्राइस आई पेड वॉज 399। सो मुझे तो क्वालिटी वाइज लुक वाइज एक जो टॉप है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सो यू शुड गेट इट। ओके, तो बात करते हैं हमारे सेकंड टॉप की। जो सेकंड टॉप है ये सेम ब्रांड से है जिस ब्रांड से पहला वाला टॉप था, मुफीद ब्रांड। और इसका जो स्टाइल है समवेयर लाइक सिमिलर जो पहला वाला टॉप था, फुल स्लीव है ये भी, मटेरियल इज एग्जैक्ट सेम, ये भी क्लोज नेक है। द ओनली डिफरेंस इज इट हैज दिस लाइक टाई वाला चीज यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा वो जो एयर होस्टेस वाला लुक होता है ना, इसको पहनने पर बिल्कुल वो फील आ रही थी। आप इस टॉप को पहनो, आप अपनी ब्लैक फ्लैट जीन्स डालो और साथ में एक सुंदर सी हील के साथ पेयर करो, जस्ट लाइक आई डिड इन दिस वीडियो। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड क्लासी एलिगेंट लुक दे रहा था। एंड यू शुड हैव दिस टॉप इन योर वार्डरोब इफ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्टेबल ऑफिस वेयर्स एंड फॉर्मल वेयर्स। और इसका जो कलर है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है, जो ये पिस्टाई कलर इसको आई थिंक बोलते हैं, हल्का सा ग्रीन और ब्लू का मिक्स होता है। और उसके ऊपर ये जो ब्लैक का जो इन्होंने डिटेलिंग दिया है उफ, मतलब वेरी गुड। और यहाँ पे एक छोटा सा बीट भी दिया है तो बहुत भी अच्छा लग रहा है। सो प्राइस आई पेड फॉर दिस टॉप वॉज 498 रुपीज। और ये भी मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में। ये आई थिंक 4-5 और कलर ऑप्शन में अवेलेबल था, मरून हो गया, ग्रे हो गया एंड आई थिंक ग्रीन एंड पिंक ऑल्सो। और सेम टॉप का मैंने मरून वर्जन भी लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मतलब एग्जैक्ट सेम है इस टॉप के, एवरीथिंग इज सेम, प्राइस कलर साइज एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द कलर इज डिफरेंट। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी ग्रीन ज्यादा बेटर लगेगा या मरून ज्यादा बेटर लगेगा, तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए। तो मरून वाला टॉप भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो आपको इन इस ये वाला मरून वाला या ग्रे में से एक तो डेफिनेटली लेना चाहिए। मतलब मैं आपको फोर्स कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको ये टॉप लेना चाहिए, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट जो टॉप है वो भी दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉप फ्रॉम दिस हॉल, वो है ये पीच कलर का टॉप। सॉरी ये मैंने उल्टा ही फेंक रखा था ट्राई करने के बाद। तो ये जो टॉप है ना दिस इज फ्रॉम द ब्रांड आई थिंक लिम्यू स्टोर करके कोई ब्रांड है, उसका टॉप है। और इसका जो कपड़े का क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसमें ना अंदर से लाइनिंग दे रखी है ऐसे, तो मतलब अगर आप अंदर कुछ वैसा मोटा पहन नहीं रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है इस टॉप में, काफ़ी ज़्यादा वैसे कंसील्ड रहेगी आपकी बॉडी। और ये भी क्लोज नेक टॉप है, पीछे से ऐसे बटन दे रखा है एंड दिस इज सेमी स्लीव्स। और हल्की सी पफ स्लीव्स होने के कारण ना एक काफी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्ड लुक आ रहा है, जो इसको काफी जैसे ऑफिस वाइब्स एंड फॉर्मल वेयर वाइब्स दे रहा है। और कलर इज सो ब्यूटिफुल, इसका कलर इज पीच। ये हल्का सा आई थिंक डिफरेंट लग रहा होगा लाइटिंग के कारण, बट दिस इज पीच कलर और दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, यू शुड गेट इट। क्वालिटी वाइज इट इज वेरी डिसेंट, प्राइस वाइज इट इज वेरी डिसेंट, सो यू कैन बाय दिस। मैंने इस टॉप को लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड आई पेड ₹399 फॉर दिस। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की। ये जो नेक्स्ट टॉप है ये तो मैं ऑलरेडी कम से कम 3-4 बार पहन चुकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, जो मैं आपको अभी ये 3-4 टॉप्स दिखा रही हूँ ना शुरू में,
ट्रस्ट मी दीज आर दी बेस्ट ऑफिस वेयर एंड फॉर्मल वेयर्स आई कुड फाइंड ऑन अमेजोन. एंड अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर दी फॉर्मल टॉप्स देन दीज आर दी वन. आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ले लो, बस आपकी वार्डरोब जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो द नेक्स्ट टॉप इज फ्रॉम द ब्रांड मिस चेज स्टोर और ये जो है ये फुल कॉटन टॉप है एंड द क्वालिटी इज सो गुड. मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है. दिस इज द फुल स्लीव टॉप और ये बहुत ही सुंदर से नेवी ब्लू कलर में है और इसमें यहाँ पे ना जो ऐसे व्हाइट कलर की कॉलर्स दे रखी हैं, इतना ज्यादा क्यूट और वो 90s की जो एक्ट्रेसेस होती थी ना वो वाली वाइब दे रहा है. मतलब वेरी नाइस. आप इसको इन करके अपने हाई वेस्ट ट्राउजर के साथ पहनो एंड इट वुड लुक सो डिसेंट एंड क्लासी फॉर ऑफिस. और पीछे से ये थोड़ा सा हुक दे रखा है, आप चाहो तो इसको हुक को बटन से रिप्लेस कर लेना अगर आप हुक में कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि कभी कभी बाल वगैरह फंस जाता है इसमें. तो इसके अलावा मतलब दिस टॉप इज 10/10. मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद आया. ये एक और कलर ऑप्शन में अवेलेबल था, ये ब्लैक में भी आई थिंक अवेलेबल था नेवी ब्लू के साथ, बट मुझे नेवी ब्लू ज्यादा पसंद आया सो आई गॉट दैट. सो यू कैन बाय इट. मैंने इस टॉप को लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड आई पेड रुपीज 599 फॉर दिस. ये टॉप इस हॉल का सबसे ज्यादा प्राइसी आइटम था तो बट इट वॉज वर्थ इट. मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा है. ये जो पीछे टॉय है ना, ये जब मैं मतलब मेरा जॉब लगा था और उसके बाद जो मैं खुद के पैसों से मैंने पहली ट्रिप की थी मसूरी में, वहाँ पे आपने वो कोरियन ड्रामाज में गेम देखे हैं ना जिसमें वो ऐसे कंट्रोल करके वो कोई भी टेडी उठाना होता है तो वो आपका हो जाता है, तो ये मैंने टॉय उसमें जीता था. आई थिंक एक साल हो गया है, मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने ये टॉय जीता था 29 सितंबर को लास्ट ईयर. तो ये पुकीड़ा भी एक साल का हो चुका है और मैंने इसका नाम पुकीड़ा रखा है एंड आई लव हिम. It's so soft and cute. Next top है वो है द Sashmi स्टोर से ब्लैक शिफॉन शीयर मेस बटन डाउन शर्ट टॉप लॉन्ग स्लीव ड्रॉप शोल्डर ब्राउज फलाना ढिमकाना जितनी चीजें थी उन्होंने सब एक ही शर्ट में डाल के ना ये क्रिएट किया है कुछ. एंड मतलब मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, ये शर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस आइटम. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना तो साइज समझ आ रहा था इसमें, ना कपड़े का मटेरियल समझ आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मतलब जो शर्ट थी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ऑर्डर की और इट वॉज दिस लॉन्ग फ्रॉम माई हैंड्स और मुझे समझ नहीं आता इसमें अगर कोई लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग ही ऑर्डर करे तो उसका क्या ही होगा. एंड एक्सेल इज अवेलेबल, मुझे लगा था एक्सेल नहीं होगा, बट एनीवेज ये दो कलर ऑप्शंस में था. मैंने ब्लू में लिया था, मेरे पास अभी है नहीं आपको एक्चुअल में दिखाने को क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है, बट फॉर योर रेफरेंस यू कैन सी हियर. अगर आप इसको बाहर करके पहनो ना तो इतनी ज्यादा गंदी लग रही थी, ऐसा लग रहा था आपने मांग के कपड़े पहन लिए हैं किसी से. मतलब वो भी बेटर होते हैं ट्रस्ट में, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. सो इट्स अ बिग नो नो, डोंट बाय दिस. क्वालिटी वाइज बहुत ही ज्यादा वाहियात शर्ट है ये, सो डोंट गो फॉर इट. ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस वाइट कलर का शर्ट और ये बहुत ही ज्यादा पतला अच्छा सा डिसेंट सा शर्ट है. इसका जो मटेरियल है बिल्कुल भी बल्की नहीं है, वो जो कुछ शर्ट्स होती है ना जो बहुत ज्यादा बल्की होती है और एक्यूमुलेट हो जाती है एक जगह पे, ये बिल्कुल भी वैसा मटेरियल नहीं है, काफी फ्लोई मटेरियल है. क्वालिटी वाइज इट्स लाइक ओके ओके, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल है, बट जो आप मतलब वैल्यू फॉर मनी है. एंड इसका जो कॉलर है ना, दिस इज लिटिल बिट पेपरी, मतलब मेरे को पेपर जैसा फील हो रहा है, बट इट्स फाइन. मतलब अगर आपको एक सिंपल सी डिसेंट प्राइस में एक शर्ट चाहिए जो कि आप इसको शर्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ऑफिस पार्टीज में इन करके भी पहन सकते हो फॉर्मल पार्टीज में, सो इट्स अ गुड शर्ट आई वुड से. एंड प्राइस वाइज दिस इज दी लाइक ओके ओके शर्ट, नाइदर टू गुड नॉट टू बैड. हाँ, इसमें आपको ना और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे. ये पिंक में भी अवेलेबल थी एंड दिस इज आल्सो अवेलेबल इन ब्लैक. मैंने इसके लिए पे किया आई थिंक 399 रुपीज एंड आई ऑर्डर्ड इट इन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज. ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये व्हाइट कलर की बहुत ही सुंदर सी शर्ट कम टॉप, यू कैन से इट इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जेसी जमी कॉटोर बेस्ट वेमन पार्टी वेयर वाइट एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन टॉप. और इसका जो मुझे सबसे अच्छा, मैंने इसको क्यों मंगाया था, सबसे पहले तो मुझे इसका नेक का पैटर्न बहुत अच्छा लगा था और जो नेक में चारों तरफ इन्होंने लेस जैसा लगा रखा है ना, इट वॉज लुकिंग सो क्यूट एंड कोरियन स्टाइल, इसलिए दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड दिस. इसका जो स्लीव्स था ना वो सेमी स्लीव्स था, लाइक वन हाफ स्लीव्स था और यहाँ पे कैसे कफ जैसा बना रखा था. मुझे एक्चुअली ना वही पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मे बी अगर इस टॉप की स्लीव सिंपल होती ना सो आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर, बट अभी मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आया. बट मुझे इसकी स्लीव छोड़ के बाकी का जो टॉप था ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा. अगर आप लोगों में पेशेंस है ना तो आप इस टॉप को ऑर्डर करना और इसकी स्लीव्स उड़ा के अपनी प्लेन स्लीव्स लगवा लेना और बाकी का टॉप इतना सुंदर लगेगा ना. बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे ये इतना पसंद नहीं आया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्लीव्स. अदरवाइज मैं कपड़े की बात करूँ ना तो कपड़े का मटेरियल वॉज वेरी गुड
और अगर किसी को स्लीव, मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है, मेरे को इतना टेस्ट इसका जमा नहीं उस हिसाब से, बट ये टॉप वॉज लुकिंग सो एलिगेंट एंड क्लासी. जैसे आपने वो कोरियन मॉडल्स को देखा है ना, आई थिंक ये अमेजोन पे भी किसी कोरियन मॉडल में ही पहन रखा था, तो ये मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा था. बट मतलब मेरा थोड़ा सा टेस्ट वैसा नहीं है, दैट्स वाई आई हैव रिटर्न दिस टॉप, अदरवाइज इट वॉज गुड. मैंने इसको लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में एंड आई पेड ₹479 फॉर दिस टॉप. So this was the whole haul. I hope आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर पसंद आया हो. Comment down your favorite top in the comment section. मेरा जो favorite था वो था first top cream color वाला and the navy blue वो जो colored वाला top था, ये मेरे favorite top थे. आप बताओ आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. And the next which haul you want to see, bottom wear top का haul देखना है या किसी particular brand का haul देखना है, then comment down below. I will make those videos for you. Okay, तब तक के लिए bye.